जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। केरला के आकांक्षा एंड राहुल है, ये बहुत एक फैमिली है जो जिन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है अमेजोन से, सीधा मेरे घर पे आया है। और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी मेरा नया मोबाइल, तो चलो फिर दिखाती हूँ। यही है वो मोबाइल जो मुझे गिफ्ट में मिला है, और ये रेडमी नोट 9 है। और अभी हम देखते हैं इसको कैसा है। और ये बहुत अच्छा सा लग रहा है ऊपर से, तो अभी हम देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और अभी हम पहली बार लाए थे इसे टीका। जो भी घर में चीज लाते हैं तो हम अंधश्रद्धा नहीं लेकिन श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं सबसे पहले, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज क्यों ना हो। और ये तो बहुत बड़ा है और गिफ्ट में भी मिला है, तो और भी खासियत हो गई इसकी। तो इसको टीका लगाते हैं और फिर इसके भगवान को भी दिखाते हैं। और अभी मोबाइल है तो सबसे पहले क्या होता है वही हम करेंगे, सेल्फी टाइम है ना कृष्णा। और कान्हा जी के साथ भी सेल्फी लेंगे हम। अरे कृष्णा के बच्चे गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच आकांक्षा एंड राहुल। और अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज यहाँ का माहौल मौसम बहुत ज्यादा मतलब अटपटा सा हो गया है कि अभी बहुत तेज सी हवा चल रही है और बादल भी बहुत छाए हुए, ऐसा लगता है कभी भी बारिश शुरू होने वाली है। लेकिन हमें यहाँ से मक्का का चारा लेकर जाना था थोड़ा बहुत, तो अभी फटाफट से लेकर चलते हैं, नहीं तो ये भीग जाएगा तो इनको खाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो रात में खाने के लिए यहाँ से हम ये चारा उठा के ले जाते हैं। और ये पेंडी बोलते हैं हम इसको, यहाँ पे हमने बना के रखी हुई थी सुड़ी लगा के, तो उसी को लेकर जाएंगे अभी। और फटाफट से मैं रखती जा रही थी लेकिन बैल है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैंने उनको छोड़ा नहीं था, बस घुमा के वैसे ही खड़े कर दिया था। और वो ज़्यादा दिन खड़े रह जाए ना तो वो एक जगह पर नहीं रुकते हैं, लेकिन ये बहुत शांत है इसीलिए रुक गए। और अभी हम इसे फटाफट से गाड़ी को देंगे और फिर इसे पैक करके जाएंगे। कृष्णा भी था और आंखों में धूम सी जा रही थी बहुत। और फिर यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही थी, फिर भी हम फटाफट से डालते जा रहे थे क्योंकि हम लोगों को जल्द से जल्द घर पहुँचना था, क्योंकि ये तेज हवा इन दिनों में छुट्टी है बिन मौसम, तो ये बहुत डरावनी होती है, खतरनाक भी होती है। पेड़ पौधे यार बहुत सारे वो वाउटर बोलते हैं जिसे कि वादल आता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाता है साथ में। और हम काका जी की हेल्प लिए फिर और इसको बांधने में, और फिर इधर से बांधा फिर उधर से बांध देंगे फिर, ताकि ये रास्ते से फिसले नहीं, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है तो बैलगाड़ी बहुत हिलडुल जाती है, तो इधर उधर से वो खिसक जाता है फिर से, इसीलिए इसे बंद अच्छे से पैक करके फिर लेकर जाएंगे। और इसे पैक करके और इसको थोड़ा सा मुड़ा लिया और अभी हम गाड़ी पे चढ़ रहे थे। और ये बहुत चुपता भी है नीचे से, इसलिए मैंने बोला कृष्णा तुम नहीं बैठना, लेकिन कृष्णा है कि वो सुनता ही नहीं। और हम साथ साथ में ही फिर आ गए, फिर उसका मुंह इतना सा हो गया था, फिर मैंने बोला चल हाथ दो, तो फिर खुशी से आ गया। और फिर अभी चल रहा है गाड़ी पे,
और अच्छे से बैठ गया। और अभी हम अरे और काका जी ने ये रस्सी फेंकी थी, हाथ पहुंचने नहीं रहा था तो मैंने डंडे से ले लिया इसको। और अभी चलो चल मेरे शेरा। और थम कूड़ा दाशी सर। हनुनो को बर का और बारिश शुरू होने का मौसम सा हो गया है, तो सीता और गीता को भी साथ लेके चलते हैं। उनको भी यहाँ पे चारा खुले में चरने के लिए लाए थे, तो उनको भी पीछे से बंधवा दिया। और अभी इनको भी हम एक ही साथ में लेके जा रहे हैं घर की ओर। और सभी देखो कैसे भाग रहे घर की ओर, क्योंकि अभी बहुत तेज हवा चल रही थी, तो सबको अपना अपना शाम होने का टाइम भी है, तो सब अपने अपने घर की ओर भागते हैं। उसी तरह से हम सब भाग रहे थे घर की ओर, जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। और अभी ये जो समर में बाजरे की देखो कितने अच्छे से लहराते हुए खेत आए हुए, अभी बहुत अच्छी से आई है क्योंकि इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी, तो सब माहौल अच्छा सा है अभी भी। त्याला हळू 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 रहू दे। उतारे तीड़ इकड़े गए। और भागते भागते जल्दी से हम घर पे पहुंच चुके हैं। यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।